जानते मौलाना लोगों ने मेरा लड़की को मुसलमान बनवाया है। क्या करवाया है? मुसलमान बनवाया है। मतलब आपकी बेटी को मौलानाओं ने मुसलमान बनवाया है। मेरी बेटी घर पे ही है किंतु घर पे अल्लाह अल्लाह करती है और रोज नमाज उनसे बात मुसलमानों की विरोध करो। जो मौलाना लोग आपका बच्चे लोग को भगवता है उसको विरोध। कट्टरपंथी मौलाना लोगों ने मेरा लड़की को मुसलमान बनवाया है। क्या करवाया है? मुसलमान बनवाया है। मतलब आपकी बेटी को मौलानाओं ने मुसलमान बनवाया है। सलीम पता दीजिए, राष्ट्रवादी के नेता है वो सलीम चौधरी, उसने मेरे बेटे की मुसलमान में एंट्री करवा के उसका डॉक्यूमेंट्स बनवाया है। इनको मुसलमान, इनकी बेटी को मैं आपसे यही कहता हूँ, हम बजरंग दल से जुड़े हैं, आप हमें पता दीजिए, हम उनको, अगर वो उनकी इच्छा होगी। देखो क्या होता है आज के डेट में, अगर वो हम उनको लेने गए, वो हमारा लॉ भी कहता है कि हमको जबरन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेने गए, अगर कल के दिन वो बोले हम मैं नहीं आना चाहती हूँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको जबरन अपने बेटी, अगर मेरी बेटी घर पे ही है किंतु घर पे अल्लाह अल्लाह करती है वो रोज नमाज उनसे बात घर में नमाज पढ़ती है, मस्जिद में जाती है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं कि घर पहुँचते हैं, हमको बाबा जी बोलते हैं कि नमक पानी से घर पहुँचो, कि गोमित्र घर में रखो, कि सुरक्षा रखो अपनी। तो मुसलमानों की विरोध करो, जो मौलाना लोग आपका बच्चों लोग को भगवता है उसको विरोध करो। My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for my year now. And I have a problem. My parents do not agree with me converting. They don't have a problem with me following Islam, but they do have a problem with me converting. So what am I to do at such a point? My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, एक साल से इस्लाम पे अमल कर रही है लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेज़ी में सवाल है इसलिए ज़रा अंग्रेज़ी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट, तो उनसे कहो ओके फादर आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट, क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुबहाना व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुबहाना व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज़ की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद गलत चीज़ सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रीवर्ट, फिर से सही मज़हब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मजहब को बदलो, अपने सही मजहब पे लौटो। तो कन्वर्जन, कन्वर्ट करना गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है रिवर्ट। कहना कि मैं मजहब को बदलूंगा गलत है, कहना चाहिए मैं सही मजहब के पास वापस लौटूंगी। तो आपके वालिद से कहो आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं अपने मजहब को नहीं बदलूंगी लेकिन अपने मजहब के पास वापस लौटूंगी। और इसके लिए और डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं, मेरी तकरीर सुन सकते हैं, इसके ऊपर कई सवाल जवाब है इसके ऊपर, जिस पर मैं तस्किरा किया हूँ किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। और आप अपने वालिद से ये कहना चाहिए, आपने कहा कि आपकी वालदा मुसलमान है और हिंदू नहीं लेकिन आपके वालिद हिंदू है, तो आप कहो अपने वालिद से कि हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक
ईश्वर की इबादत करो जिसका कोई अक्स नहीं, कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं। और आखिरी पैगंबर इस किताब हिंदू किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कहना चाहिए कि मैं हिंदू किताबों पे और पुख्तगी के साथ अमल कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू किताबों में लिखा है क्या एक अवतार आने वाले है जिसका नाम है कल के अवतार। तो आप कहिए आपके वालिद से, आपके पिता से, आप भी कल के अवतार पे अमल करो। और उस कल के अवतार जो आखिरी पैगाम लेके आए खुदा की तरफ से, वो है कुरान। आप अगर एक साल से अमल कर रही है लेकिन आपने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहती है, इस्लाम कबूल करने के लिए आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है, नाम से कोई मुस्लिम बनता नहीं है, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। नाम बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते चाहे तो, लेकिन बदलना फ़र्ज नहीं है। तो अगर आप ये कहते अपने मन से आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप अपने दिल में भी रखें तो मुसलमान हो जाते हैं। ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐलान करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डरते हैं कि मैं ऐलान करूँगी तो कोई मुझसे ज़बरदस्ती करेगा या मेरे वालिद मुझे मारेंगे, आपको अगर ख़तरा है तो ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, आप और आपके खुदा के बीच में। ऐलान करना चाहती है तो बेशक ऐलान कर सकती है तो करना चाहिए, ऐलान करना फ़र्ज़ नहीं है। कई गैर मुसलमान मेरी तकरीर के बाद दिल में ईमान लेते मुसलमान हो जाते, ऐलान करने की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन अगर ऐलान करना चाहते हैं, एक आदमी मेडिकल डॉक्टर बनता है और बोलता है मैं डॉक्टर नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं फिर भी डॉक्टर है। लेकिन अक्सर जो डॉक्टर है खुश होता है ना, MBBS पास होने के बाद क्या कहता है, डॉक्टर, मेरा नाम भी डॉक्टर जाकिर नाइक है, लेकिन डॉक्टर तो अच्छा अदाई है माशाल्लाह। तो अगर दिल से मान लिए, अमल कर रहे तो मुसलमान हो गए, आप दिल में भी अल्लाह को शहादत दी आप मुस्लिम हो गए। लेकिन लोगों को कहना चाहती है खुशी के मारे, जो होगा हो जाने दो आपकी बात है, लेकिन ऐलान करना फ़र्ज नहीं, वो आपकी मर्जी। ऐलान करना चाहे तो कर सकते, नहीं भी करे दिल से माने तो आप मुसलमान हो जाते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।